नमस्कार। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी आई है तभी से देश में विकास की बयार चल रही है। मोदी सरकार ने अब तक ऐसे कई फैसले लिए हैं जिनके बारे में पुरानी सरकारों ने सोचा तक नहीं। पीएम मोदी के ये कड़क फैसले ही रहे जिन्होंने साल 2019 में उन्हें एक बार फिर सिंहासन तक पहुंचाया। तमाम सर्वे तो ये तक बता रहे हैं कि साल 2024 में भी पीएम के तौर पर मोदी ही सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है। खैर 2024 के चुनावों में तो अभी वक्त है, उससे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि देश का मुसलमान बीजेपी के साथ है या नहीं। आपने देखा होगा पिछले काफी वक्त से विपक्ष ने मुसलमानों पर दाव लगाने के लिए इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। मोदी सरकार की हर नीति को मुसलमानों से जोड़कर पेश किया जा रहा है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि बीजेपी एक ही विचारधारा की पार्टी है जो मुसलमानों को दबाने का काम कर रही है। मोदी सरकार पर मुस्लिमों के तुष्टीकरण का आरोप लगाने वाले विपक्ष को भी ये खबर जरूर देखनी चाहिए। आज उनके इस आरोप का जवाब जमात उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सुहेब कासमी ने दिया है। कासमी ने दो टूक कह दिया कि मुसलमानों के मन में बीजेपी के खिलाफ भ्रम पैदा किया जा रहा है। मुसलमान गुंडे और माफियाओं के बहकावे में आकर बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। एक मुस्लिम नेता का बीजेपी के लिए इस तरह का बयान आना विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है। दरअसल जमात उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सुहेब कासमी ने बिजनौर के नूरपुर में कहा, मुस्लिम समाज गुंडे और माफिया के बहकावे में आकर भाजपा से दूरी बना रहा है। चंद लोग मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी करते हैं। भाजपा राष्ट्रहित की पार्टी है, इसलिए वक्त और पार्टी की नीतियों के मद्देनजर मुस्लिमों को भाजपा से जुड़ना चाहिए। इस्लाम में गैर कानूनी ढंग से कमाई की कोई गुंजाइश नहीं है। दरअसल मौलाना सुहेब कासमी नूरपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने न सिर्फ मोदी सरकार की तारीफ की बल्कि बीजेपी किस तरह से राष्ट्रहित में काम कर रही है इस पर भी अपनी राय रखी। योगी आदित्यनाथ सरकार में हो रही बुलडोजर की कार्रवाई पर कासमी ने कहा, माफिया और बदमाशों पर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है तब मुस्लिम वोटों के ठेकेदारों को मुसलमानों की याद आती है। इस्लाम में गैर कानूनी ढंग से कमाई की कोई गुंजाइश नहीं है। आज वक्त और भाजपा की नीतियों को देखते हुए मुस्लिम समाज को भाजपा से जुड़ना चाहिए। कासमी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने हर किसी को संदेश दिया कि किसी के कहने पर अमल करने के बजाय अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें, अच्छा बुरा समझें। वोट के ठेकेदार अब बेनकाब हो गए हैं। भाजपा सभी के लिए काम कर रही है, मुस्लिमों को ये समझना चाहिए। इस बयान को सुनने के बाद उस विपक्ष को ये जरूर सोचना चाहिए कि जिस बीजेपी पर वो मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगा रही है वो तो खुद उनके साथ है। खैर अब आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।